अंकल जी, एक आदमी का हम मतलब 100 का पेपर बांटते हैं, कमीशन क्या बनना चाहिए? तो कंपनी वाला से जाके पूछिए, डायरेक्ट कंपनी से लेते हैं कि होकर से लेते हैं? कंपनी से नहीं, जिसके अंडर में है ना, तो हमको ले आता है। अच्छा, कितना पेपर बांटते हैं डेली आप? 100 कितना देता है? वही था आपसे जाना चाह रहे हैं। नहीं, तो आपको कितना मजदूरी बोलता होगा ना, कितना मजदूरी देंगे काम करने की? मैं हमको बोला एक पेपर 10 रुपये है, 10 रुपये एक पेपर पे, एक पेपर पे 10 रुपया। हाँ, ये पूरा एक मतलब 1000 महीना में। ठीक है, वैसे कितना होना चाहिए था? ठीक है, एक पेपर में 1 रुपये बचता है। ज्यादा दे रहा है कि कम दे रहा है? कितना पेपर बांटे हैं? 100 डेली। तो 100 रुपये मजदूरी आपका हुआ, 30 दिन बांटे तो 3000 हुआ, कितना दे रहा है? 1000 मंथली बोल रहे हैं, 1000 महीना में दे रहा है। एक पेपर में 1 रुपये डेली बचता है, 100 टे का पेपर बांटे ना डेली तो 100 रुपये आपका मजदूरी हुआ, आपको महीना में 1000 दे रहा है। आपका 3000 रुपये मजदूरी होता है। हाँ, अगर मान लिया कि 100 रोज पेपर बांट दिए ना, तो 3000 पेपर हुआ। 3000 बनना चाहिए, 3000 बनना चाहिए। आपको 1000 दे रहा? नहीं, 1000 दे रहा है। 1000